हमने कैलकुलेट किया असम की एनआरसी से। असम में जो एनआरसी हुई है उसमें 1220 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। असम की कुल आबादी जो है वो 3.06 करोड़ है। अगर आप इसको डिवाइड करें तो आपको जो खर्चा आएगा एक आदमी पर एनआरसी कराने का वो है 399 रुपये। ये पूरी गणित हमने की यहाँ पर, ये देखिए ये मेरे नोट्स हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, हम लोगों ने पूरा गणित की। अब इसके अलावा हुआ ये कि जब आप ये 399 रुपये है इसको अगर आप भारत की आबादी पर जोड़ें, भारत की आबादी में लगा दें, तो भारत की आबादी है 137 करोड़। और अगर 137 करोड़ पर 399 रुपये प्रति आदमी, प्रति व्यक्ति अगर खर्च हो रहा है, तो आपको पता है टोटल खर्चा एनआरसी कराने का भारत में कितना होगा? 54,660 रुपये। ये टोटल खर्चा है, 54,660 करोड़ रुपये ये खर्चा है। इसमें 6,000 और मिला दीजिए तो ये तो भारत सरकार का मनरेगा का बजट है। बहुत सारे और भी ऐसे विभाग हैं जिनका बजट इससे भी कम है। अब कॉस्ट तो इसकी एक चीज़ हुई। कल मेरी योगेंद्र यादव से बात हो रही थी और वही आज इस चर्चा का विषय भी है। योगेंद्र यादव का ये कहना है कि एनआरसी एक फालतू एक्सरसाइज है, लोगों का ध्यान भटकाने का एक प्रयास है, राजनीतिक बयान है, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। लेकिन एक सुझाव उनका बड़ा ज़बरदस्त था और उस पर मैं आप लोगों के भी कॉमेंट्स चाहूँगा कि आप उसको किस तरीके से देखते हैं। उनका यह कहना था कि अगर आप इतने ही आमादा हैं एक रजिस्टर बनाने के लिए, तो आप नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी कि एनआरसी बनाने के बजाय नेशनल रजिस्टर ऑफ द अनएम्प्लॉयड क्यों नहीं बनाते, यानी कि एनआरसी के बजाय एनआरयू। अब ये मुझे बड़ा रोचक कॉमेंट लगा, क्योंकि देखिए जो बेरोजगारी का दर है वो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 45 साल में सबसे ज़्यादा है और 6.1 पर है। नेशनल एवरेज जो है उसको अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, अलग अलग उसमें उनकी तुलना की गई है, लेकिन हर रिपोर्ट लगभग लगभग एक ही बात कहती है। जैसे लेबर ब्यूरो की रिपोर्ट है, सीएमआईई की रिपोर्ट है, आईएलओ की रिपोर्ट है, एनएसएसओ की रिपोर्ट है, ये सारी रिपोर्ट्स लगभग एक ही तरफ ध्यान आकर्षित करती हैं कि लगातार स्ट्रेस है बेरोजगारी दर में, यानी कि बेरोजगारी दर बढ़ते जा रही है हिंदुस्तान में।